आज हम ऐसे दौर में ज़िंदगी जी रहे हैं जिस दौर में सिर्फ बीमारियां ही बीमारियां हैं। कभी कोरोना तो कभी बर्ड फ्लू तो कभी अन्य प्रकार की बीमारियां देखने को मिल रही है। ये बीमारियां तो आते जाते ही रहेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि आप इन बीमारियों से मर रहे हैं या बच रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप इन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी भूकंप आता है तो ज़्यादा नुकसान उसी घर को होता है जो अंदर से कमज़ोर, खोखला और पुराना होता है। इस एग्जाम्पल का मतलब यही है कि हम मनुष्य एक प्रकार के घर हैं और भूकंप एक प्रकार की बीमारी है। जब भी बीमारी फैलेगा तो ज़्यादा नुकसान उसी को होगा जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जितना आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा उतना ही आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में कारगर साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के तरीका बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने के क्या क्या लक्षण हैं। मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। नंबर फर्स्ट, मौसम बदलने के साथ साथ सर्दी जुकाम हो जाना। कई लोगों को बार बार मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम या बुखार होने लगता है, तो ये एक लक्षण है इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने की। नंबर सेकंड, बीमार होने पर जल्दी ठीक ना होना। अगर आप बार बार बीमार होते हैं और आप जल्दी ठीक नहीं होते हैं तो ये आपका कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम को दर्शाता है। नंबर थर्ड, हर समय सुस्ती और थकावट महसूस होना। अगर आपको समय समय पर सुस्ती और थकावट महसूस होता है तो ये एक लक्षण है कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। नंबर फोर्थ, थोड़ा काम करने पर थक जाना। अगर आप थोड़ा काम करने पर थक जाते हैं तो ये भी आपका कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम को दर्शाता है। नंबर फिफ्थ, कोई भी काम करने का मन नहीं करना। अगर आपको भी कोई काम करने का मन नहीं करता है तो ये भी एक लक्षण है जो दर्शाता है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अब हम बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करें। नंबर फर्स्ट, 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। ये तो सभी जानते हैं कि एक इंसान को कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। नींद कम लेने से दिन भर आलस, कमज़ोर जैसी दिक्कतें के साथ इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है। तो अगर आप भी एक सेहतमंद शरीर और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। नंबर सेकेंड, सुबह का नाश्ता ज़रूर करें। कई लोगों का आदत होता है कि वो सुबह के समय तो नाश्ता करते ही नहीं हैं। सुबह के समय नाश्ता ना करने से कमज़ोरी आने के साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होने लगता है। तो अगर आपको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है तो आप सुबह के समय नाश्ता ज़रूर करें और कोशिश करें कि नाश्ते में हरे पत्तेदार सब्ज़ियाँ और फलों को ज़्यादा शामिल करें। नंबर थर्ड, वज़न को कंट्रोल में रखें। शरीर का ज़्यादा वज़न होने की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि इम्यूनिटी सिस्टम कम होने लगती है। मोटापे की वजह से सफ़ेद कोशिकाएं मतलब कि वाइट ब्लड सेल बनने में दिक्कत होती है। जब शरीर में वाइट ब्लड सेल कम होने लगती है तो इम्यूनिटी भी कम होने लगता है। तो कोशिश करें कि अपनी शरीर का वज़न कंट्रोल में रखें। नंबर फोर्थ, रोज़ एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप एक सेहतमंद शरीर और एक अच्छा इम्यूनिटी वाला शरीर चाहते हैं तो आपको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग करना, कार्डियो करना, वॉक करना या फिर योगा करना वगैरह वगैरह। नंबर फिफ्थ, तनाव से बचें। स्ट्रेस तनाव उम्र की वैधता को कम करता है और साथ ही साथ इससे इम्यूनिटी भी कमज़ोर पड़ने लगती है, तो तनाव कम से कम लें। नंबर सिक्स, धूम्रपान और शराब से परहेज करें। खुद को सेहतमंद और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि धूम्रपान और शराब से परहेज करें। अब हम बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या क्या खाएं। नंबर फर्स्ट, लहसुन। इसमें एलिसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो शरीर को किसी भी तरह के इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो अपने आहार में लहसुन को ज़रूर शामिल करें। नंबर सेकंड, टमाटर। इसमें मौजूद लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट आपके दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टमाटर में विटामिन के, विटामिन सी और फाइबर अधिक मात्रा में मौजूद होती है जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। नंबर थर्ड, संतरा, नींबू, आंवला जैसे खट्टे फल। आपको इन फलों को अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होती है।
नंबर फोर्थ पालक और ब्रोकली, इनमें मौजूद फाइबर आयरन एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाकर शरीर को सेहतमंद रखता है। इनके अलावा पालक में मौजूद विटामिन सी शरीर को सेहतमंद बनाए रखता है। नंबर फिफ्थ नट्स, जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, अंजीर, ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ दिमाग को भी मजबूत बनाए रखता है। नंबर सिक्स, पानी अधिक पिए। इन चीज़ों के अलावा पानी पीना बहुत आवश्यक है। आपको एक दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। सो गाइज, अगर आपको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल हेल्थ मॉनिटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।